बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओके स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं अपने लैब को। ओके सो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम लोग स्टार्ट करते हैं नई चीज़ों को, कुछ डिस्कशन वगैरह करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने लैब मैनुअल से, ठीक है, और इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। और से हम लोग राउटिंग को पढ़ रहे थे। सो राउटिंग आपने देखा कि एक स्टैटिक राउटिंग थी जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को करवाई है, ठीक है। सो अब आपको ये स्टैटिक राउटिंग समझ आ गई भी होगी। तो अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने जो आपका प्रोजेक्ट है वो इसके थ्रू बनाना है। प्रोजेक्ट के अंदर स्टैटिक राउटिंग आपने करनी होती है, ठीक है। तो आप वो प्रोजेक्ट अब आप बना सकते हैं अपने LMS के ऊपर। आप लोग देखिए जो असाइनमेंट्स बनी हुई हैं, उन असाइनमेंट्स के अंदर एक प्रोजेक्ट भी है आपका, ठीक है। सो वो सारे चीज़ें आपने वहाँ पर सबमिट करनी है, और जो आपके 20 मार्क्स हैं वो इन सब चीज़ों के होंगे, और प्लस आपका जो लैब मैनुअल है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। अच्छा, इसको अब हम कवर करते हैं। देखिए, स्टैटिक राउटिंग अब आपको आ जानी चाहिए, आपको आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग जो है IP राउट लिख के फिर नेटवर्क और बताते हैं कि किस डायरेक्शन में वो नेटवर्क है, ठीक है। सो ये IP जो है वो दूसरी साइट का IP होता है। मसलन अगर इस राउटर में मैं लिख रहा हूँ तो मैं ये कमांड अगर लिखूँगा तो राउटर 1 के लिए लिखूँगा कि IP राउट ये नेटवर्क के, ये वाला नेटवर्क जो यहाँ पर है, इस जगह पे नेटवर्क है, ठीक है, और ये उसका सबनेट मास्क है। और इस अगर ये वाले नेटवर्क को रीच करना है इस राउटर से, तो किसको डेटा देना है, डेटा इस
आईपी को दे देना, यानी इस पोर्ट पे, तो सो डेटा यहाँ से मूव करके इधर आ जाएगा। जब इधर आएगा तो इस राउटर के पास आ जाएगा, और इस राउटर को ये मालूम है, यानी इसके अंदर जो आपका राउट डिफाइन हुआ होगा वो बता देगा इसको कि नेटवर्क इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो नॉर्मली मैंने ये इस डायग्राम से नहीं बताया आपको, आपको प्रैक्टिकली सारा परफॉर्म करके बताया है। सो स्टैटिक राउटिंग अब आपको मालूम है कि कैसे करनी है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने लाइक स्किप कर ली हुई हैं, ठीक है, उनको भी देखेंगे। यहाँ चंद कमांड्स जो हैं आपकी, लाइक जैसे ये DCE या DTE कनेक्शन आपके यूज़ होते हैं, तो हम ये सीरियल लिंक्स हैं। ठीक है, सो अगर आप अपने पैकेट ट्रेसर में देखें तो जो आपके ये वाले लिंक हैं, ये दो, ये सीरियल लिंक है। मसलन इसको देखें तो DCE और ये DTE है। ठीक है, सो ये पहले बहुत यूज़ हुआ करते थे, इसलिए इनको लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्योंकि फाइबर यूज़ होती है तो मैंने फाइबर ऑप्टिक यूज़ की है, ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए। ओके, और इसी तरह अगर राउटिंग आप देखते हैं कि क्या आपका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, तो शो करवाते हैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कमांड आप अगर लगाएंगे तो राउटर की जो भी आपकी इस वक्त रनिंग इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। ठीक है, और ये सारी बेसिकली राउटर की कमांड्स भी, राउटर में क्या कॉन्फ़िगरेशन हुई है इसके अंदर से आपको पता चल जाता है पढ़ के। ठीक है, इसी तरह ये इंटरफेस है कि किसी इंटरफेस की इंफॉर्मेशन अगर शो करानी है तो उसके अंदर आईपी आपको दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो इसी तरह देखें ये दूसरे इंटरफेस को शो कराया गया, सो ये चंद कमांड्स आपको बताई भी हैं। ठीक है, किसी इंटरफेस को शो करवाएंगे तो उसको अगर कोई आईपी एड्रेस लगा होगा तो वो नज़र आ जाएगा आपको। ठीक है, इसी तरह शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, तो ये आपको इंटरफेस का ब्रीफ चीज़ें आपको दिखा देगा, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सी चंद कमांड्स आपको इसके अंदर बताई हुई हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप इनको यूज़ करेंगे, इसी तरह VLAN ब्रीफ मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर VLAN की कोई इंफॉर्मेशन शो करानी है तो कैसे आप शो कराएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसी तरह कौन कौन से प्रोटोकॉल लगे हैं, तो शो प्रोटोकॉल्स आप करेंगे। ये SH जो है ये बेसिकली शो के लिए है। ठीक है, ये पूरी जो कमांड है शो है। ठीक है, SH मैं पूरा शो लिखता होता हूँ, SH ना भी लिखें तो पूरा शो लिख सकते हैं। ठीक है, और प्रोटोकॉल्स आप लिखेंगे तो ये आपको बताएगा कौन कौन से प्रोटोकॉल्स जो है यहाँ पर आपके इस वक्त चल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अच्छा, तो ये सारा तो था आपका स्टैटिक राउटिंग से मुतालिक सारी चीज़ें। ठीक है, तो बाकी हम आते हैं डायनेमिक राउटिंग की तरफ, कि डायनेमिक राउटिंग क्या होती है। ठीक है, और इसको परफॉर्म करके भी देखते हैं। देखिए, इसको हमने स्टडी कर लिया हुआ है। ठीक है, हमें ये मालूम है कि डायनेमिक राउटिंग और स्टैटिक राउटिंग में फ़र्क ये है कि स्टैटिक राउटिंग मैनुअल होती है। मैनुअल से मुराद क्या होती है, कोई स्टूडेंट बताएगा, हैंड रेज करेंगे कोई बच्चा जो अगर ये बताए कि मैनुअल क्या चीज होती है। जी, कौन हाथ हैंड रेज करेगा, एनीवन, जल्दी 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 जल्दी। सीआर किधर है, हैंड रेज करो। सीआर नहीं है, अच्छा फिर कौन है, अच्छा ये मोहम्मद हसन अनम्यूट करें, मोहम्मद हसन अनम्यूट कर लें, मोहम्मद बिलाल अनम्यूट करें,
हशाम अहमद, हशाम अहमद अनम्यूट करें। आतिफ जावेद, आतिफ जावेद अनम्यूट करें। जी, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला अनम्यूट करें। मोहम्मद उमेर अमजद, मोहम्मद उमेर अमजद मोहम्मद अनवर अनम्यूट करें। राजा इस्माइल अनम्यूट कर लें। नजीबुल्ला, राजा इस्माइल, राजा इस्माइल अदील नजीबुल्ला खान हमजा। यस सर। हाँ बेटे, किधर हैं सारे बच्चे? सर जी सब तो नहीं पता, जब नैम कॉल कर रहे थे तो सर जी हैंड फ्री नहीं मिल रहा था। कोई अटेंड नहीं कर रहा क्लास, इसका मतलब है आप एब्सेंट नहीं लगा रहे हो ना, इसीलिए ये सब आराम से मजे से बैठे हुए। एब्सेंट लगाओगे ना तो ये सारे जो है ना इधर प्रेजेंट होंगे क्लास के अंदर। देख रहे हो कोई भी नहीं है, आप देखो 90% जो ये बच्चे हैं ये गायब हैं इधर से, और सिर्फ ये इन्होंने साइन इन किया हुआ है और ये क्लास नहीं ले रहे हैं, तो फायदा क्या है क्लास कंडक्ट करने का? चलिए एक मिनट, मैं सबको मैसेज करता हूँ। हाँ मैं बोलता हूँ, जिन बच्चों को बोलता हूँ नाम आप लिख नोट करते जाओ, एब्सेंट लगाते जाओ, ठीक है? ठीक है सर जी, चले मैं सबका नाम बुलाता हूँ, अब दोबारा देखना। राजा एक मिनट इस्माइल, सर जी, पहले बोलने दें, पहले एक मिनट उनको बोलने दें कि सब क्लास में। जी आप नैम कॉल करें। ठीक है। अच्छा राजा इस्माइल अनम्यूट करें। नजीबुल्ला, ठीक है ठीक है, नजीबुल्ला बेटे ठीक है, ये मौजूद है। इनामुल्ला, इनामुल्ला
अच्छा यस सर। ठीक है बेटे। और कौन है? मोहम्मद उस्मान फारूकी। मोहम्मद उमेर अमजद। देखें ये नहीं है अब। उमेर अमजद। मोहम्मद हसन। जी सर। मेरे सर जी। अच्छा उमेर है। मोहम्मद हसन। सर। चलें ठीक है। और सुन मोहम्मद बाकिर। यस सर। ठीक है। और कौन है? मोहम्मद आतिफ। तो जी आतिफ ने भी हैंड रेज किया है। अच्छा ठीक है। मोहम्मद अनवर। यस सर। ठीक सर। है। और हसन अब्बासी। ठीक यस सर। प्रेजेंट। है। हसाम अहमद। हसाम अहमद। अदील शाहिद। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम। ठीक है प्रेजेंट। ठीक है ठीक है बेटे। और ये मुबीन अहमद, ये भी आया हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटे। ठीक है हसाम मुबीन मैंने देख लिया। ठीक है शाबाश। अच्छा तो क्लास में अटेंडेड रहे हैं आप लोग, तो जब आपसे कोई चीज़ पूछी जाती है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग उसका अटेंटिवली जवाब दें। ठीक है ये जहन में रखिए। तो इसका क्या फ़ायदा कि अगर आप क्लास में नहीं हैं तो जारी बात है इस सारे सिलसिले का, इस सेशन का ही कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ये जहन में रखिए। तो ये जो चीज़ें हैं मैं पढ़ा के बीच में से क्वेश्चन करता हूँ, फिर आप लोग होते ही नहीं हैं तो क्वेश्चन का जवाब कौन देगा। ठीक है तो इसको देखें कि ये क्या चीज़ चल रही है। ओके अब सेकंड, लास्ट टाइम हमने राउटिंग का कर लिया हुआ था। ठीक है अब हम क्या करते हैं, डायनेमिक राउटिंग के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ये देखते हैं कि डायनेमिक राउटिंग क्या होती है। कौन बच्चा ये बताएगा कि स्टैटिक और या डायनेमिक में क्या फर्क होता है? स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग में क्या फर्क होता है? कौन बच्चा बताएगा? हैंड रेज करें जिसको आता है। ठीक है एनीवन, कौन है, कोई बता सकता है ये चीज? जी अनवर। वालेकुम अस्सलाम सलाम। जी बेटे सर। इन स्टैटिक राउटिंग राउट्स द पाथ इज अपडेटेड बाय द यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर, व्हाइल इन डायनेमिक राउटिंग राउट्स आर अपडेटेड ऑटोमेटिकली। मतलब जो होती है ना स्टैटिक, उसमें जो होता है यूजर के थ्रू, यूजर खुद उसको अपडेट करता है पाथ वगैरह को, बट जो ठीक डायनेमिक होता है उसमें ये काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऑटोमेटिकली कौन करता है? स्टैटिक राउटिंग सर वो ऑटोमेटिक एक का हमने क्या मतलब स्पेसिफाई किया होता होता है ना, मतलब उसको। है बेटे? ऑटोमेटिक और मैनुअल जो होता है ना, इनमें फर्क समझो। मैनुअल से मुराद क्या है? मैनुअल वर्ड जो है मैन से बना हुआ है, समझ गए हो? मैनुअल से यस मतलब सर। मैन जो है, आदमी जो है ये काम करेगा। और ऑटोमेटिक चीज कौन सी होती है? जो कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम या कोई मशीन कर देती है वो मशीन करेगी। ऑटोमेटिक होती है। ठीक है अगर कोई सॉफ्टवेयर आपका यस सर। काम कर रहा है तो उसको क्या बोलोगे कि ये ऑटोमेटिक है। ठीक है आप जो ये लफ्ज यूज कर रहे हो ना कि यस सर। डायनेमिक राउटिंग ऑटोमेटिक होती है बेटे, तो इसका मतलब ये है कि उस कोई सॉफ्टवेयर है जो कि राउटिंग प्रोटोकॉल है जो ये काम करेगा। क्लियर होगी बात?
ठीक है? Yes, sir. So exactly, देखो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको है, ठीक है, तो ये अच्छा आपको पता है. तो बेटे देखो, ये जो स्टैटिक राउटिंग थी वो तो हमने क्या किया कि खुद राउट डिफाइन किया, उसका मेथड मैंने आपको बताया है कि कैसे होता है. और डायनेमिक राउटिंग में जारी बात है, प्रोटोकॉल खुद ब खुद तो एक्टिव नहीं होगा ना, वो किसी आदमी को एक्टिवेट करना पड़ेगा. तो उसका क्या प्रोसीजर है उसको हम देखते हैं आज, ठीक है? अच्छा, इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं. रिप है, IGRP है, इस तरह शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है, एंड सो ऑन. ठीक है, बहुत सारे एल्गोरिदम है जो हमने देखे हुए हैं. ठीक है, तो किसी भी को अनेबल करने के लिए कमांड्स आपको दी हुई हैं. ठीक है, तो आपकी एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं. इसका ये मतलब नहीं कि आप इसको स्टडी करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएंगी. ठीक है, अब देखिए, अगर मैंने किसी राउटिंग प्रोटोकॉल को अनेबल करना है, ठीक है, लाइक ये मेरे पास एक सिनेरियो है. ठीक है, इस सिनेरियो को मैं ओपन कर लेता हूँ. फर्ज करें स्विच को ही ले लेता हूँ. चलें, देखिए राउटर के अंदर भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन जानबूझ के स्विच के अंदर कर रहा हूँ. ठीक है, स्विच के अंदर जाके CLI मोड में जाऊँगा. ठीक है, और इसको अनेबल, ठीक है, कॉन्फिगर टर्मिनल. ठीक है, अब देखिए मैंने प्रोटोकॉल अगर अनेबल करना है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं राउटिंग टेबल को शो करवाता हूँ. मैं लिखता हूँ डू शो, ये स्पेस नहीं आई है, स्पेस दे देता हूँ, डू शो IP राउट. ये कमांड क्या करती है, ये कमांड जो है राउटिंग टेबल को डिस्प्ले करती है. ठीक है, डू मैंने, देखें शो IP राउट ये काम करेगी. डू इसलिए लगाया है क्योंकि मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ और मैं प्रिविलेज मोड की कमांड लगा रहा हूँ, इसलिए ये करना पड़ता है. ठीक है, ओके, मैं मोड नहीं चेंज करना चाह रहा इसलिए. अब देखें यहाँ पे कोई वो राउट या कोई चीज़ या किसी तरह की कोई चीज़ नहीं, ये एक्टिव, इसमें राउटिंग अनेबल ही नहीं है. ठीक है, ये जो लेयर 3 का स्विच होता है इसके अंदर राउटिंग अनेबल करनी पड़ती है, ये खुद ब खुद अनेबल नहीं होती. ठीक है, तो यहाँ पे राउटिंग को अनेबल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, अनेबल राउटिंग अनेबल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कहना पड़ेगा IP राउटिंग. ठीक है, IP राउटिंग लिखूंगा तो राउटिंग अनेबल हो जाएगी. जब मैं ये कमांड रन करूंगा तो आप देखिए, ये जब मैंने कमांड रन की है, अब मैं दोबारा राउटिंग टेबल को शो करवाता हूँ. तो देखिए राउटिंग टेबल को जब शो करा रहा, तो अब जो है राउटिंग टेबल के अंदर वो आप ऑल्दो के यहाँ पे कोई राउट नहीं डिफाइन हुआ हुआ, लेकिन ये राउटिंग टेबल अब एक्टिव है. ठीक है, राउटिंग अनेबल है और ये बता रहा है कि गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज नॉट सेट. ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट राउट या गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि जो गेटवे होता है आपका, राउटर्स का गेटवे होता है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि ये अगर ये इंटरनेट से कनेक्टेड है तो इसका गेटवे आप दे सकते हैं ताकि ये इंटरनेट पे जा सके. ठीक है, तो ये इस तरह से आपका वर्क होता है. तो आप गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में जिस इंटरफेस के साथ आपका इंटरनेट कनेक्टेड है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं. ठीक है, सो ये राउटर की बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं. तो ये क्योंकि लेयर 3 का स्विच है जिसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा एक काम करना पड़ता है कि IP राउटिंग इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल नहीं होती, हमें अनेबल करनी पड़ती है. ठीक है, सो ये डिफरेंस है. अच्छा, एक मिनट के लिए ज़रा होल्ड कीजिएगा, मैं आता हूँ एक मिनट के लिए.
ओके स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मैंने ब्रेक ले लिया है, ठीक है अभी इसको स्टार्ट कर लेते हैं. ओके सो लेयर थ्री का जो स्विच है उसके अंदर राउटिंग को अनेबल करने की जरूरत होती है. याद रखिएगा राउटर के अंदर राउटिंग अनेबल करने की जरूरत नहीं होती, राउटर के अंदर राउटिंग ऑलरेडी अनेबल होती है, ये कमांड राउटर के लिए नहीं है. ठीक है राउटर करता ही राउटिंग है, उसमें राउटिंग अनेबल नहीं करनी होती. ठीक है ये लेयर थ्री का स्विच जो होता है ये बेसिकली स्विच होता है, ये स्विचिंग करता है और अगर आपने राउटिंग का काम करवाना है तो राउटिंग को अनेबल करेंगे वरना इसकी जरूरत नहीं होती. ठीक है ये स्विचिंग के स्विच के तौर पर काम करता है. ठीक है सो और क्योंकि ये स्विच होता है इसलिए अगर आप स्विच के अंदर किसी भी केबल को कनेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो आपकी पोर्ट है वो जो बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट्स होती हैं वो डाउन होती हैं, यानी वो शट डाउन हुई होती है, अप नहीं होती. जब आप उसको केबल कनेक्ट करते हैं तो स्विच की पोर्ट ऑटोमेटिकली अप हो जाती है लेकिन राउटर की अप नहीं होती. राउटर में आपको किसी भी पोर्ट को अप करने के लिए आपको उसको नो शट डाउन की कमांड देनी पड़ती है. ठीक है सो राउटर के साथ देखते हैं कि क्या होता है. ओके ये तो था स्विच का हमारा काम. ठीक है नाउ अब ये स्विच कहीं कनेक्टेड नहीं है, देख लीजिए ये कहीं कनेक्टेड नहीं है, मैंने इसको कहीं कनेक्ट नहीं किया हुआ. ओके मैं चाहता ये हूँ कि इसकी पोर्ट नंबर जो 24 है उसको उससे राउटिंग करवाऊँ. ठीक है तो मुझे राउटेबल या राउटेड पोर्ट बनाने की ज़रूरत है. ठीक है तो अगर मैं राउटेड पोर्ट बनाऊँगा तो उसका मेथड क्या होगा, स्विच लेयर थ्री के स्विच में राउटिंग करवाने के लिए मुझे पोर्ट को राउटेड पोर्ट बनाना पड़ता है. कहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ. देखिए इस पोर्ट को ये जो राउटर की ये वाली पोर्ट है, मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो ये गीगाबिट 24 जो पोर्ट है इस स्विच की, इसको मैंने राउटेड पोर्ट यहाँ पे बनाया हुआ है. राउटेड पोर्ट का फायदा क्या होता है कि राउटेड पोर्ट को आप आईपी एड्रेस लगा सकते हैं. ठीक है मसलन मैं मिसाल आपको देता हूँ, अब ये स्विच है इसकी कोई पोर्ट राउटेड पोर्ट नहीं है, बाय डिफॉल्ट नहीं होती. ठीक है अगर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जी इंटरफेस, ठीक है इसमें गीगाबिट इंटरफेस है, सो अगर मैं देखना चाहूँ चले तो मैं कह देता हूँ डू शो VLAN brief. ठीक है तो मुझे ये बता देता है. ओके नहीं सॉरी इसके अंदर फास्ट इथरनेट इंटरफेस है. ठीक है तो ये जो फास्ट इथरनेट इंटरफेस 24 है मैं इसको कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ. ठीक है सो मैं देख लेता हूँ. ठीक है मैं कहता हूँ कि अच्छा ये 3560 है, चलें ठीक है. ओके मैं इसका जो ये पोर्ट है 24 यानी FA24 मैं कहता हूँ कि इंटरफेस FA0/24. ठीक है तो मैं इसके अंदर चला गया हूँ. अब मैं अगर यहाँ पे आईपी एड्रेस, याद रखिएगा मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, वो क्या, ये सारी इंटरफेसेस किसके अंदर हैं, ये इस VLAN के अंदर हैं. वो इंटरफेस जो VLAN में होता है उसको आईपी नहीं लगाया जा सकता. ठीक है ये एक इम्पोर्ट, वो राउटेड पोर्ट नहीं होती, सिंपल सी निशानी ये है. अगर आप देखना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी राउटेड पोर्ट नहीं है. सो किसी राउटेड पोर्ट की खसूसियत क्या है, उसको आप आईपी एड्रेस लगा सकते हैं और उसके थ्रू राउटिंग करवा सकते हैं. जिस पोर्ट को आईपी एड्रेस लगा हुआ है उसके थ्रू आप राउटिंग उसको राउटिंग में यूज कर सकते हैं. ठीक है तो क्योंकि आईपी के थ्रू राउटिंग होती है. ठीक है सो ये जो इंटरफेस 24 है अभी ये क्योंकि इस VLAN के अंदर है तो ये राउटेड पोर्ट नहीं है. अगर मैं आईपी एड्रेस इसको लगाऊंगा कभी भी नहीं लगेगा, एरर आ जाएगा. ठीक है सो मैं कहता हूँ कि आईपी एड्रेस, ठीक है और लगाता हूँ मसलन फर्ज करें मैंने इसको आईपी एड्रेस लगाना है 12.0.0.1. ठीक है सपोज ये लगाना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ जी इसका सबनेट मास्क है 255.0.0.0. ठीक है ये था. ओके मैं एंटर करूँगा अगर तो ये लगेगा नहीं. ठीक है क्योंकि ये राउटेड पोर्ट नहीं है, वजह क्या है. ठीक है सो देखें ये इसने एरर दे दिया आपको. ठीक है और इसने कहा है कि ये आईपी एड्रेस ये यहाँ पे नहीं लग सकता. ठीक है ओके सो फिर कैसे राउटिंग कराऊंगा,
तो ये जब आप स्विच को अपने प्रोजेक्ट के अंदर स्विच को जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको राउटेड पोर्ट बनाने की ज़रूरत पेश आएगी। तो उस वक्त आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे, यानी ये जो आपकी पोर्ट है, ठीक है, इस पोर्ट को राउटेड पोर्ट बनाने के लिए क्या करूँगा, पहले इस पोर्ट के अंदर आऊँगा जैसा कि मैं आया हुआ हूँ, और मैं इसको ये कहूँगा कि इसको मैंने ये कहना है कि तुम देखें स्विच की पोर्ट जो होती है वो या एक्सेस होगी या ट्रंक पोर्ट होगी, ये हम उसके अंदर जो वी लैंड है उसके अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ना तो हम इसको एक्सेस पोर्ट, जैसा कि आप देखें कि ये सारी पोर्ट्स जो हैं ये सारी इस वी लैंड वन की एक्सेस पोर्ट्स हैं, ठीक है, और इन्हीं में से किसी को हम ट्रंक भी बना सकते हैं, अगर ट्रंक बनाएंगे तो यहाँ एक्सेस पोर्ट में से वो हट जाएगी, ठीक है। ओके, सो जितने भी हमने चीज़ों को ट्रंक पोर्ट डिफाइन किया था वहाँ से वो पोर्ट जो है उस एरिया से हट जाती है, ठीक है। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं इसको राउटेड पोर्ट बनाने जा रहा हूँ, किसको, पोर्ट नंबर 24 को, ठीक है। तो इसको कैसे बनाऊँगा ये देखते हैं, ठीक है। सो मैंने पोर्ट 24 के अंदर आ गया और मैंने इसको कहा कि तुम किसी वी लैन का हिस्सा नहीं हो, ये मैं कैसे उसको कहूँगा, मैं कहता हूँ नो स्विच पोर्ट, मैं कहता हूँ तुम स्विच की जो पोर्ट ना तो एक्सेस हो ना ट्रंक हो, ठीक है। जब मैं ये कहूँगा तो ये जो स्विच पोर्ट 24 है ये राउटेड पोर्ट हो जाएगी, आप देखिएगा। एंटर प्रेस कर दिया, अब मैंने इसको मैंने कहा है कि तुम स्विच की पोर्ट ना तो एक्सेस हो ना ट्रंक हो, ठीक है, स्विच की पोर्ट नहीं हो, ठीक है, यानी तुम राउटेड पोर्ट हो, ठीक है। तो अब देखिएगा, यानी ये राउटर की पोर्ट हो गई है। अब आप देखें कि अगर मैं दोबारा से इसको शो करवाऊँ वी लैन को, वी लैन ब्रीफ को शो कराऊँ, तो आप देखिएगा पोर्ट नंबर 24 वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं पोर्ट 23 तक तो है लेकिन 24 पोर्ट यहाँ से गायब हो गई है। इसका मतलब ये है कि वो स्विच की पोर्ट अब नहीं रही है और वो जो है आपकी राउटेड पोर्ट हो गई है। सो अब क्योंकि मैं उसी पोर्ट के अंदर मौजूद हूँ, अब मैं इस पोर्ट को अगर आईपी एड्रेस लगाऊंगा तो देखिए वही वाली कमांड, मैं कोई कमांड नहीं चेंज करता, सेम अप एरो की प्रेस करके वही वाली कमांड ले आता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो अब ये वाला आईपी एड्रेस उस स्विच की पोर्ट यानी 24 को लग जाएगा, ठीक है। सो मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए ये आईपी एड्रेस उसको लग गया है, ठीक है। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि डू शो इंटरफेस FA0/24। अभी किसी भी पोर्ट की आपने को सेटिंग्स चाहिए तो आप यूं लिखेंगे, तो देखिए ये आपको पोर्ट नंबर 24 की सेटिंग्स बता रहा है और आपको दिखा रहा है ये कि ये जो है ये पोर्ट है, ठीक है। सो जो इंटरफेस पोर्ट 24 है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखाएगा। अगर आप इसको शो करना चाहते हैं तो इसको FA0/24 को आपने यहाँ पर शो करवा लिया, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर ये कर सकते हैं कि मैं इसको स्पेस बार प्रेस करके सारा दिखा लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखें इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, पोर्ट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, याद रखिएगा। सो पोर्ट की जब इंफॉर्मेशन आप देखते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें पोर्ट के अंदर आपको दिखाई देते हैं। चलिए मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ, और मैं आईपी एड्रेस अगर हटाना चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि नो आईपी एड्रेस, आगे बेशक कुछ भी ना लिखा हो, नो आईपी एड्रेस मैं लिखूँगा तो आईपी एड्रेस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस FA0/24 अगर यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको मसलन मैं कहता हूँ कि जी आईपी एड्रेस ये वाला लगा दो, ठीक है। सो 12 का आईपी एड्रेस मैंने इसको एंटर प्रेस करके ये लगा दिया, ठीक है। और इसके अलावा मैं कहता हूँ नो शट डाउन, ठीक है, तो ये अनेबल भी हो जाएगी, अप भी हो जाएगी पोर्ट, ठीक है। और मैं इसको शो करवाता हूँ FA0/24, ठीक है, तो ये उसकी इंफॉर्मेशन भी मुझे यहाँ पर ये
शो करता है कि इस इंटरफेस की इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। और ये क्योंकि कनेक्टेड नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, इस इंटरफेस पोर्ट को इस राउटर के की किसी पोर्ट के साथ कनेक्ट करता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी पोर्ट नंबर, देखें किसको करना है, मैंने 24 को, 24 वाली पोर्ट को मैंने यहाँ पर फास्ट इथरनेट पोर्ट 0/1 के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। सो ये इस तरह से ये मैंने कनेक्ट कर दिया, और आप देख रहे हैं कि ये रेड है। रेड क्यों है, क्योंकि ये इसकी पोर्ट ये डाउन है, ठीक है। सो इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। और ओके, सो अच्छा, ये आईपी एड्रेस शो नहीं कर रहा, ठीक है। चले एक और काम करते हैं हम ना, इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, दोबारा से नया कोई स्विच कोई भी एक कोई स्विच यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। ये 24 मल्टीलेयर स्विच है, ठीक है, ये मैंने लगा दिया है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से चलें करते हैं। अच्छा जी, वो क्या कहता है, मस्ट बी पावर्ड ऑन। अच्छा, पावर्ड ऑन कैसे करेंगे, इसको पावर सप्लाई लगाएंगे, ठीक है, और CLI मोड में मैं जाऊंगा। अच्छा, एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं ये वाली यूज़ कर लेता हूँ, 3560 यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, इसको ये प्रॉब्लम करेगा। अच्छा अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, CLI मोड में चला जाइए, ऑन हो रहा है, ठीक है, ये स्विच अभी ऑन हो रहा है, याद रखिएगा। ये देखिए, ये इन्फर कहता है जी विजर्ड के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो मैं इसको कह देता हूँ नहीं, विजर्ड के थ्रू नहीं करनी, ठीक है, अनेबल, ठीक है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। अच्छा, हम देखें शो डू लिख के करेंगे, डू शो आईपी राउट, ठीक है। देखें राउटिंग अनेबल नहीं है, ठीक है, मुझे राउटिंग को अनेबल करना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ आईपी राउटिंग, ठीक है, अब राउटिंग अनेबल हो गई है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इंटरफेस नंबर 24 को, जैसा मैंने कहा कि मैं उसको राउटेड पोर्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ इंटरफेस से ठहरे, पहले कहता हूँ डू शो VLAN ब्रीफ, ठीक है, VLAN ब्रीफ को मैंने शो किया तो ये मेरी सारी पोर्ट्स आ गई, ठीक है, FA0/24 ये पोर्ट है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अच्छा एक काम और कर लेता हूँ, पहले इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ आया, इसकी पोर्ट नंबर 24 को मैं इसकी पोर्ट नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, अब ये कनेक्टेड है, ठीक है, क्लियर हो गया, इसके अंदर वापस आ गया, ठीक है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ इंटरफेस FA0/24, ठीक है, इधर आ गया, और मैं इसको कहता हूँ कि नो स्विच पोर्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें से एग्जिट करता हूँ, ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि VLAN को दोबारा से शो कराता हूँ, तो देखिए ये पोर्ट यहाँ से ख़त्म हो गई है, और मैं क्या कहता हूँ, मैं इंटरफेस 24 में दोबारा आता हूँ, और मैं कहता हूँ आईपी एड्रेस, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि 12.0.0.1, ठीक है, और इसको कहता हूँ 255.0.0.0, ठीक है। सो ये आईपी एड्रेस मैंने लगा दिया हुआ है इसको, और मैं कहता हूँ कि शो एग्जिट, ठीक है,
जिसकी जरूरत नहीं होती स्विच में, नो शट डाउन, नहीं सॉरी, इसमें इंटरफेस के अंदर आके मैं कहता हूँ नो शट डाउन, ठीक है,